लाजू तूने ना अख्तर को ना निक्की गीत में ना खेड़ी लेने का नारा लगाया हुआ है। वो मुझे कहता है जम्मा मैं एक खेड़ी जरूर लेनी है और ऊपर से नूरीन बीबी ने फरमाइश डाली हुई है गुरु गाबी की। एक तो कसम से ईद के खर्चों का सोच के बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। सुन रहा है तू मेरी बात है? बोल ना क्या बुत बड़ा तू बैठा है क्या कह रही हूँ मैं इतनी देर से ओए ओए अख्तरे बड़ा बाण बड़ा निकाना बाण हजार दफा समझाया है देखता नहीं हो ईद सर पे खड़ी है खेड़ी गुरगाबी। अब्बा ए अब्बा ईद पर किरण गोटे वाले कपड़े पहनूंगी पता है ना याद है ना अब्बा। और तीये रानी है अब्बा तेरी फरमाइश जरूर लगाएगा। वैसे नाजू मेरे दिमाग ने ना एक तरकीब सोची है। और जाहिर है दिमाग ही सोचता है कोई गुर्दे तो नहीं ना सोचते। मुझे तो बड़ी पसंद लगी है पता नहीं तुझे पसंद लगे ना लगे। मुझे गोली लगे और अब बता भी दे जो तेरी गुर्दों ने मेरा मतलब है तेरे दिमाग ने सोची है। अच्छा तो सुन ये जो अपना है ना हीरा मेरा मतलब है अपना बकरा। हाँ तो क्या है मैं कह रही थी कि अगर तू इस्लामाबाद खुद जाए ना हीरे को लेके तो ये 2000 में तो जरूर बिकेगा ना। तो कुर्बानी वाले दिन मेरे गर्दन में छुरी फरवाओगी। नहीं ना चाचा मैं रेडी मिसा मांग रहा है 600 नहीं तो 700 समझो उधर चला गया बाकी बच्चा 1300 तो समझो उसने ईद के सारे खर्चे भी निकल गए और सारी कुर्बानी भी हो गई। मैं क्या सुगरा वैसे ना जब से तेरा मेरा ब्याह हुआ है ना तेरे दिमाग ने पहली बार स्कीम सोची है। अच्छा तुम्हें मेरी स्कीम पसंद आई ना। मैं क्या तेरी स्कीम ने तो मेरे सर से सारा परेशानी का बोझ ही उतार दिया है। मैं क्या जरा मुझे आज मेरे असली नाम से पुकारेगी मोहम्मद नजीर। और नया चाचा कोई सा निकाल लाजू के लिए भी कोई गुंजाइश बचती है बैड़ी में कि नहीं। ओ पुत्र देख लेते हैं निकल आती है गुंजाइश। लो जी फिर ये बात यूं है कि बैड़ी तो इधर नजदीक से ही आनी है उसको लाने पर तो कोई पैसा खर्च होना नहीं है। बाकी रहेगा कसाई इसको जो कुछ देना है वो तमाम हिस्सेदारों पर तकसीम हो जाएगा ठीक है ना जी। तो इस तरह मेरे हिसाब से ये हो गया 2 2 4 6 तो 2 8 800 रुपया ही हिस्सेदार आएगा। पीछे बचा 1200 तो 1200 कम तो नहीं ना होता। और नाजू बैड़ी का फी हिस्सेदार 800 देगा 1200 नहीं। और नहीं नहीं ये और बात कर रहा है नाजू अब लिखो जी बैड़ी में इसका हिस्सा लिखो। दुआ कर लिए जी आप बिस्मिल्लाह या अल्लाह। बेबे अब्बा हीरा बेबे इस्लामाबाद जाएगा हैं बेबे। हाँ जाएगा क्यों पहले वो कभी इस्लामाबाद नहीं गया। इसे क्या पता अब्बा इस्लामाबाद बकरा बेचने जाएगा मेरे लिए किरण गोटे वाला जोड़ा तो जनाब चूड़ियाँ। बस बस तू तो जनाब की बच्ची जैसे तेरा बाप शहर जहाज बेचने जा रहा है। बेबे मैं भी साथ जाऊँ अब्बा के। इधर जो बाहर के तेरा प्यो काम करता है वो मैं करूँगी जाके। अब किस काम की बात हो रही है भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्या क्या है नाजू मुबारक नहीं यार था तू मुंडे पे ओ एक ही बात है मुझे एक ही बात है पीढ़ी पे ज्यादा आराम आता है। वालेकुम सलाम नूरीन पुत्र रोटी खा रही है। मैं जब भी आता हूँ तो रोटी खा रही होती है। कम खाया कर माँ जैसी हो जाएगी। मामा जी पुत्र अब्बा इस्लामाबाद जाएगा हीरे के साथ पता है। ओ मुझे पता है पुत्र पता है। अब्बा तेरा सुबह सवेरे हीरे को लेके बाजार जाएगा इस्लामाबाद हैं माँ उसको बेच के शाम को अपने घर वापस आ जाएगा। नाजू मार नहीं खाएगा बकरे की खरीदो फरोख्त में सुचल सौदा एक हाथ से पैसे दो दूसरे हाथ से बकरा लो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ओ नहीं नाजू ये बात नहीं है शहर के लोग बड़े चलाक होते हैं और तू भोला पाला सीधा साधा मैं तो इस वास्ते कह रहा हूँ कहीं तू किसी चलाकी में ना आ जाना बकरा बेच के सीधा अपने घर आना। इसे नहीं ना पता लाला कि वहाँ इस जैसे कूड़ मगज नहीं होते। पर लाला मैंने इसे साफ साफ बता दिया कि बकरा 2000 रुपए से एक आना भी काम ना करना। लो तो मैं कौन सा 2000 से कम दे रहा हूँ पूरे 2000 का दूंगा अपना हीरा किसी को मंजूर तो वाह भला नहीं तो हो जा। ये हुई ना बात। पर मुझे तेरा पता है
2000 से एक आना भी कम ना करना। और ये मैंने तेरे दो पराठे पका कर तेरे इसके साथ बांध दिए चादर के, ध्यान से खा लेना वरना शहर में गंद बला खाते फिरो। अब्बा खेड़े गुरगाबी का नाम बाकी जो चीजें बेबे ने कही थी मैंने लिख दी है। अच्छा मैंने दिनेश रख लिया जेब में बेटा। नाजू बकरा बिक जाए ना तो पैसे संभाल के अपने पास रखना, कहीं जेब कटवाते हुए ना आ जाना। अच्छा 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 चलो जाओ, बस ज्यादा बातें ना करो, मैं ऐसे कह रही है जैसे मैंने इस्लामाबाद कभी देखा ही नहीं वाला। चलो जाओ शाह बस अंदर। अच्छा जाते हुए ना झूले की दुकान से पैसे बनाते हुए ना लेके जाना। अच्छा अच्छा ठीक है चल भी चली रे आ जा। सलाम अलैकुम भी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम प्यार से। सलाम अलैकुम भी सलाम प्यार से। जरा जाई जान दो उस्ताद बकरे ना। भाई भाई बकरा आपके साथ होगा? हाँ बकरा मेरे साथ है। इसके 5 रुपए लेना होंगे? मैं 5 रुपए यार मेरे ले लो, बकरे के तो ना लो। नहीं नहीं यार 5 रुपए दे दूंगा यार। चलो चलो सारी गाड़ी में बदबू हो गई है। कोई ऐसी बात नहीं है, सफर का है। क्या बैठा लिया आपने? वही साहब ये बकरा आपका है? हाँ ये मेरा बकरा है जी। अगर आप बुरा ना मनाएं तो इस बकरे के मतलब सवालात कर सकता हूँ? हाँ ये आप करें जी, जितने मर्जी सवाल करें। फिक्र ना करें, मुश्किल सवालात नहीं करूँगा। नहीं नहीं आप करें करें सवाल। पहला सवाल ये है कि ये बकरा बिकता है? हाँ जी बिकता है बकरा जी। कितने में बेचना है? देखिए जी एक जुबान एक दाम 2000 का जी। देखिए ना एक आना ज्यादा ना एक आना कम, आप चाहे पैसे भी दे दे तो मैं अभी वैगन से उतर जाता हूँ। मैं कह दू की इस बकरे नो सिर्फ 800 रुपया दे सकता हूँ, मंजूरी? देखिए मजाक ना करें आप मेरे साथ, मैं बकरे की खरीदो फरोख्त में ये मजाया किस्म की बातें बिल्कुल ही पसंद करता। आप बड़ी डिजाइनी किस्म की गुफ्तगु करते हैं तो आप वो उधर ही रखें। और छोड़ भाई यार उस्ताद गाड़ी को रोको यार, इस बकरे को नीचे उतारो, पूरी गाड़ी में स्मेल होगी यार। उस्ताद गाड़ी को रोको यार, लावा बकरा उतार यार भाई अपना बकरा यार, छोड़ दे यार यार भाई बिक रहा है ये बकरा? हाँ जी देखिए जी एक दाम। क्या कीमत है? हाँ जी देखिए एक दाम जी 2000 रुपए जी। 2000 तो बहुत महंगा है। और नहीं जी आप यकीन जाने हमारी इस बकरे पे बहुत मेहरबानी है, हमने इसकी बहुत खिदमत की है जी, घर का पाला हुआ है। 2000 यार क्या बात कर रहे हो? ओ मेरा भाई ये शहर है, शहर के अंदर चीजें जो होती हैं उनको बना संवार के बेचो तो तब कुछ मिलता है। इस हालत में ये सादा बकरा जो है तुम्हारा 2000 में नहीं बिकता है, इधर क्या बात कर रहे हो? वालेकुम सलाम जी। बंद करिए यार। हाँ जी भाई यहाँ पर नलाई धुलाई का काम होता है? हाँ जी हाँ गाड़ी लाया आप? नहीं जी गाड़ी नहीं, वो मैंने अपने हीरे को नलाना है जी। इसको सिर्फ नलाना है या कंपाउंड पॉलिश भी मारनी है? नहीं 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 सिर्फ नलवाना जी, बाकी सजा सजू तो मैं खुद ही लूंगा जी। अच्छा लाए चले जी, मेहरबानी जनाब अली मेहरबानी, चल भी ले चल भी ना।
ऐसा डाले बाबू जी क्या कर रहे हैं? ये हीरा है, हीरा हीरा है वो? क्या घास की जगह इसको चांदी के वर्क खिलाते रहे हो? बोल क्या मांगता है? ले मैं क्या बोलू, ये बकरा खुद बोल रहा है। अच्छा अच्छा, बोलता भी है, वेरी गुड। इधर लाओ ये देखे जी, मैं दिखाता हूँ। ये देखे कितने चमक रहे हैं दांत इसके। धोंदा है, धोंदा धंधा संभाल के लाए हो भाई। मैं तो इसके 800 रुपए दूंगा। लो 800 रुपए दे बाबू साहब, वो खेड़ियों की जोड़ी भी नहीं आती। नहीं नहीं, आप मेहरबानी करें, मैंने नहीं देना। तो ऐसा करो, इसको मोची के पास ले जाओ और उससे दो खेड़ियां बनवा लो। जा जा, लाल टोपी पहन के आ गया, मोची के पास जा। चल चल चल, तू जा, चल दौड़, चल आ जा मेरा हीरा। इधर ही रे, आ जा। बेटा जी, ये दुम्बा हैगा के बकरा हैगा? बकरा बुजुर्गो, बकरा। अपना बेचना हैगा? हाँ जी, बेचने के लिए लाया हूँ जी मैं। अपना क्या कीमत लाई है इसकी? देखो जी, सच्ची बात है, आप ना मुझे मेरे चाचे की बजाय लगते हैं। आपको 2000 का दे दूंगा जी। ना यार, मजाका ना कर। नहीं नहीं, मैंने देखो 2000 से कम तो नहीं दे सकता मैं। नहीं, नहीं। अच्छा बेटा जी, फिर मिट्टी बेचो, हीरा नहीं बिकेगा। वालो ये बेटा भी कह गया, बकरा भी नहीं खरीदा। हमें जवान बकरा बेचना है। हाँ जी बेचना है जी। कितने पैसे? देखे जी ये कीमत 2000 रुपए जी। 1500 लेना है कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने 1500 को नहीं बेचना। वो मैंने सुपरमैन वाला बकरा लेना। सुपरमैन वाला? कौन सा? वो सुपरमैन वाला बकरा। अच्छा अच्छा, आओ आओ देखते। हाँ भाई, 1500 का देना है कि नहीं? और नहीं, मैंने 1500 को नहीं देना जी। हाँ भाई, ये बकरा कितने का दोगे? भाई साहब, इसका सौदा आ रहा है, आप कोई और देखे। हो रहा है, हुआ तो नहीं? ए जी 1500 रुपया कह रहे हैं जी। मैं तुम्हें इसके 2000 दूंगा। मैं इसके 3000 दूंगा। मैं 4 दूंगा। मैं 5 दूंगा। मैं 6000 दूंगा। मैं 7000 दूंगा। मैं 8000 दूंगा। मैं 9 दे रहा हूँ, बोल। अब नौ की कभी शक्ल देखी तूने? दिखाऊं तेरी शक्ल में नौ की? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ 2000 का ही देना है जी, 9000 का नहीं देना जी मैंने। तुझसे तो मैं बाद में निबटता हूँ ना, जब सौदा हो रहा था। ये सारी शरारत ही तेरी है, तूने बुलाया क्यों उसे? हम अपने मर्जी से यार, जान जान बताएंगे। ओके बाय, आई विल बी देयर। ओके, हैव अ नाइस डे। हे मैन, यू आर रियली हियर? 2000 का जी दूंगा, 2000 का। दो 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 हजार दोंदा दोंदा। No, you have a nice goat. But I don't know what are you talking about. Le le ye acha bakra tha waise, chalo. Kaise kaise log khil rahe hain aap? क्या कीमत है तुम्हारी भाई? मेरा मतलब है तुम्हारे बकरे की। 2000 जी। 2000? 2000 का भी देखे? तुम चोर है? नहीं नहीं खासा, मैं चोर तो नहीं हूँ जी। तुम धमाकी करती है? नहीं खासा। तुम दहशतगर्दी है? नहीं खासा।
तो फिर कौन है तुम भाई? ये बकरी तुम्हारे? ये बकरा है खान साहब। अच्छा, ए कौन तुम? मैं ना खान साहब, दरअसल वो सवेरे घर से चला था बकरा बेचने के लिए, तो ईमान से रात हो गई है, कुछ मेरी मदद करे। मदद करो ये हमने बड़ा सुने बसों में, मदद करो, बड़ा पुराना फार्मूला है ये। नहीं खान साहब, आप यकीन जाने, मैं ना सुबह से गांव से निकला था अपना बकरा बेचने के लिए, रास्ते में बहुत तकलीफें मैंने उठाई हैं, और मैं देखो गांव से आया, मेरी मदद करो खान साहब। अच्छा, तुम गांव में रहती है? हाँ खान साहब, यार हम भी गांव में रहते हैं भाई, परदेसी है ना तुम भी, हम भी परदेसी है। इधर एक वर्कशॉप में हमारा चौकीदार दोस्त किधर गया है, आओ हम तुमको उधर पीट करते हैं। अच्छा खान साहब, आओ मेरा भाई, आओ। बड़ी मेहरबानी खान साहब। आजो यार, आजो भाई, तुम्हारी स्टोरी सुने, कहानी सुने, बड़ा गमगीन कहानी है यार तुम्हारा, लेकिन एक बात याद रखो भाई, ये सब्र का पल जो होती है ना, बड़ा मीठी होती है, सब्र करना चाहिए इंसान को। अभी तुम ऐसा करो, इधर सो जाओ अंदर, इधर अंदर। हाँ, ये देखो हमारा साहब का बड़ा कीमती गाड़ी खड़ी है, तुम इसका भी ख्याल करो और अपने ये हीरे का भी, बकरे का भी, ठीक है? तुम सो जाओ अभी इधर। अच्छा, मैं हूं ना यार, मैं चक्कर लगा के आती हूँ, तुम सो जाओ। मेहरबानी खान साहब। शाबाश शाबाश, इधर बकरा बांधो खान साहब। हाँ इधर बांधो, घबराओ नहीं। हाँ, पर मैं खा दिखा। सारे यार, यार मेरे देख जी रे, बहुत होशियारी से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ हुई तो सीधा काले वाले पुल के नीचे। तू मेरी फिक्र न कर, ये मेरी पहली वारदात नहीं है, तू बाहर नजर रख, मैं देखता हूँ अंदर। तू जा अंदर, देख के होशियारी से। शहर अपना हीरा बेचने के लिए आया था, और उधर वर्कशॉप में ना मैं खान साहब की इजाजत से सोया था। ईमान से मैं बेकसूर हूँ, कसम ले रहे। और इधर आके सारे ही बेकसूर बनते हैं। सर हम तो चौकीदार है, हमको क्यों बंद करती है सर? ये सुबह पता चलेगा कि तुम चौकीदार है या बेलदार, खान का बच्चा। जी तेरी बात तो सुनो सर, हम कसम से चौकीदार है। सर बस एक मिनट लेट हो जाते तो गाड़ी गई थी। तुम लेट हो जाते या बकरे वाला? वही सर, मेरा मतलब है मोहम्मद नजीर बकरे वाला। सर इस बकरे वाले की बातों और शक्ल को देखकर मुझे पता नहीं क्यों तरस आया। सर सच्चा बंदा है और सच्चाई से हमेशा नेकी सामने आती है। ये तो सुबह जब वर्कशॉप की मालिका आएगी तो पता चलेगा कि चोर चौकीदार है कि वो। जी सर। बस तुम घबराओ नहीं यार, हम वर्कशॉप का मालिक और कार का मालिक को जानती है। औरत साथ है, थोड़ा पेशेंट है बोले, लेकिन दिल घबराना चाहिए यार। गाने मार से मैं ना अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद के लेके जाना था, इनका मेरा हीरा बिक जाता तो मैं ले यस सर। ठीक है सर, सर वो मैंने 5 बंदों की नफरी भेज दी। जी सर। आइए मैडम, आप ही का टेलीफोन पर जिक्र होगा, कल रात को जो दूसरा चोर भाग गया था वो भी पकड़ा गया।
انسپیکٹر صاحب، کاش ہمارے ملک کی ساری پولیس آپ کی طرح فرض شناسی کا ثبوت دے۔ او جناب، ہمارا تو یہ فرض تھا، اصل کریڈٹ تو اس بکرے والے کو جاتا ہے، آئی مین ناجو کو۔ اچھا اچھا، آپ ہیں ناجو۔ آئی میرے بھائی، میں تو شہر بکرا بیچنے آیا تھا جی، 2000 کا، اور میں کوئی سامان بھی لے کے جانا تھا جی، کھیڑی اور گرگا بھی، یہ دیکھیں لسٹ ہے جی اس کی۔ بہت اچھے جی، ٹھیک ہے یہ۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے سب معلوم ہے۔ انسپیکٹر صاحب، میں ناجو کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ ایز یو وش میڈم۔ تھینک یو، چلیے۔ مہربانی۔ کرن کوٹے والے کپڑے ہیں میری بیٹری کے، اور باقی تو سنبھال کے رکھے نا، تھی شاباش آتی ہے تجھے۔ شاباش تو اس بیگم صاحب کا دو، جس نے نا سارا سامان، میرا مطلب ہے لسٹ والا سامان، مفت لے کر دیا ہے، اور میرے پیسے بعد 2000 پورے ہیں۔ وہ بکرے والے صاحب جی، یہ بکرا بیگم صاحبہ نے آپ کے بچوں کے لیے عید کا تحفہ بھیجا ہے جی۔ یہ پیسے تم واپس لے جاؤ گے؟ اور نہیں جی نہیں، یہ تو جی آپ نے اتنی قیمتی گاڑی بچائی ہے ان کی جی، انہوں نے آپ کے لیے توحفہ بھیجا ہے جی۔ اچھا، میں کہ سکرا، یہ تو وکری ٹائم کی عید ہو گئی ہے ناچو اور سکرا کی۔